हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोइन अख्तर। फ्रेंड, आज हम रिव्यू करेंगे डोमेस्टॉल टैबलेट की, जिसमें सॉल्ट होता है डोमपेरिडोन। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या यूज़ करा जाता है, महिलाओं में किस तरीके से ये वर्क करता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए कैसा है ये कैप्सूल, या फिर जो बच्चे हैं जो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं उनमें इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, कब इसको नहीं देना है, ये कैसे वर्क करता है, इस बारे में पूरी विस्तार से करेंगे जानकारी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन जाए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात कर लेते हैं डोमेस्टॉल टैबलेट की। इसमें सॉल्ट होता है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन के बारे में अगर बात करते हैं, आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि इसे जो है, जैसे आप पेट में गैस बन रही है, जलन पड़ रही है, या फिर उल्टी हो रही है, जी मालिश हो रही है, अपाचे की बीमार परेशानी से दिग्रस्त हैं, या फिर खट्टी खट्टी डकार या नहीं, तब इसका इस्तेमाल कराया जाता है। आमतौर पर लोग यही जानते हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा और भी होता है। इसे एक कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, वो होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके जो है दूध नहीं बन रहा है, दूध कम मात्रा में बनता है या फिर नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से उनका बच्चा भूखा रह रहा है, समय से पहले जो है डिलीवरी हो जाती है, या फिर जो है उससे जो है बाद में सही टाइम पे डिलीवरी हो जाती है, तनाव स्ट्रेस या फिर किसी बीमारी के चलते उनके जो है मदर का जो है दूध सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, मिल्क नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से उनका बच्चा भूखा रहता है, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जानते हैं ये काम कैसे करता है। डोमपेरिडोन जो होता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ होने की वजह से जो है मदर में जो है मिल्क की सप्लाई बढ़ जाती है, मिल्क की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है उनकी जो परेशानी होती है ये दूर हो जाती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बनना डोमपेरिडोन से की बात करें तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन डॉक्टर जो है इसे उचित डोज की जो है इसे जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड, ये एक नॉलेज पर्पज़ वीडियो है, इसे जो है आप अपने आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो होती है। इस माध्यम से ये कभी नहीं कहा जाता है कि आप ये दवा यूज़ कर लिए और आपको ये फ़ायदा होगा, इसमें सिर्फ नॉलेज दी जाती है। आप कोई भी दवा है, कोई भी मेडिसिन है, जब तक अपने डॉक्टर से राय ना ले लें, सलाह ना ले लें, तब तक इसका इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर से राय लें, सलाह लें, फिर इसका इस्तेमाल करें। सेल्फ मेडिसिन अवॉइड करें, सेल्फ अपने आप को जो है अपने आप से कोई भी दवा का इस्तेमाल ना करें। ये नॉलेज पर्पज़ वीडियो है। चलिए आप जान लेते हैं इसका जो है कब इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई महिला हार्ट पेशेंट है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, या फिर उनके दिल की धड़कन कम हो रही है, तब इसका इस्तेमाल नहीं करना, या फिर उन्हें अन्य कोई बीमारी है तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अपने डॉक्टर से राय सलाह लिए बगैर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं बच्चों में, क्या वो बच्चे जो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं उनमें इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर रिसर्च की बात करें तो अभी तक कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट या फिर कोई परेशानी जो है बच्चों को देखने को नहीं मिली है। अगर इसकी डोज की बात करें तो डोज में जो है इसको TDS यानी कि सुबह दोपहर शाम आप जो है इस कैप्सूल को ले सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग। बाकी जो डोज होती है कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर खुद देखते हैं कि उन्हें जो है कौन सी डोज देनी है, कितने समय तक देनी है, कब तक नहीं देनी है। फिलहाल इसका जो है सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जाता है, कम से कम एक हफ्ते इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो है मदर में मिल्क की सप्लाई बढ़ जाती है और जो उनका बच्चा दूध ना मिलने की वजह से भूखा रहता है उससे यह परेशानी से निजात पा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी बेल का ना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आपके लिए इसी तरीके हेल्पफुल नॉलेज वीडियो लाते रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।